नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर जो यूपी में हड़ताल होने वाली है दोस्तों, इस हड़ताल का ऐलान जो है वो 25 से 27 अक्टूबर के जो 3 दिन है दोस्तों, तो उस 3 दिन में जो है ये हड़ताल जो है वो होने वाली है। तो इस हड़ताल को जो है वो सफल बनाने के लिए जो है वो सभी कर्मचारी व शिक्षक जो है वो जुट गए हैं। साथ ही में जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है उन्होंने भी जो है वो छुट्टियां रद्द कर दी है ताकि ये जो हड़ताल है वो सफल हो सके। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में जो डिटेल है अभी इस वीडियो में जो है हम जानने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि जो मेरे आने वाले वीडियोज है वो आपको देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में जो डिटेल है अभी हम जानते हैं। तो पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारियों और शिक्षकों के प्रतिनिधियों और शासन के उच्च अधिकारी के साथ वार्ता अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। इसके चलते पुरानी पेंशन बहाली मंच ने 25 से 27 अक्टूबर तक जो है वो एक हड़ताल घोषित की है, और इसको सफल बनाने के लिए तहसील स्तर पर जन जागरण अभियान शुरू कर दिया है। साथ ही मंच के नेताओं ने न्यू पेंशन स्कीम के समर्थन में दिए जा रहे अधिकारियों के सभी तर्कों को भी खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन हमारा संवैधानिक अधिकार है। वही सोमवार को प्रादेशिक विकास सेवा संघ और प्रादेशिक निबंध सेवा संघ ने भी हड़ताल को अपना समर्थन दिया है। दरअसल सोमवार को पुरानी पेंशन बहाली मंच के प्रतिनिधियों और मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे के बीच सोमवार को करीब 2 घंटे तक जो है वो बातचीत हुई, पर इसके बाद भी जो है वो कोई हल नहीं निकला है। वहां पे बताया जा रहा है कि कर्मचारी व शिक्षक नेता एनपीएस के दायरे में निश्चित पेंशन दिए जाने का ठोस आश्वासन मिलने पर सहमत हो सकते हैं, लेकिन अधिकारियों ने बिना सीएम से बात किए कोई आश्वासन देने से इनकार कर दिया है। वही हड़ताल से निपटने के लिए लखनऊ के डीएम कौशल राज शर्मा ने 25 से 27 अक्टूबर तक जो है वो कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी है। तो जी हाँ दोस्तों, इस हड़ताल को जो है वो सफल बनाने के लिए जो शिक्षक और कर्मचारी है तो उनके लिए जो उनकी तरफ से भी जो है काफी तैयारी चल रही है, और जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है तो उन्होंने भी जो है वो कर्मचारियों की छुट्टी भी रद्द कर दी है। तो इसके बारे में ही इस वीडियो में मुझे आपको बताना था दोस्तों। तो आगे भी ऐसे ही अपडेट जानने के लिए जो है वो इस बारे में आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।